Hello, dear students. Welcome to English class. So today we are going to revise all that we have learned in the last three videos. So we have learned about articles and their usage. Now today I am going to compile all the three videos in this one video. Okay, to revise. So let's start. So in grammar there are three articles: a, and, and the. A and and are termed as indefinite articles, and the is definite articles. Now why they are definite and why they are indefinite? Because the indefinite articles talks about the things in general, whereas the definite articles talks about a specific thing. For example, a dog barks, and the next example is the dog barks. So here a dog barks, it means we are talking about the general dog, means hum sabhi dogs ke bare mein baat kar rahe hain. Aur jahan pe hai the dog barks means we are talking about a particular dog. Okay, so wahan pe humne the use kiya. Clear? Next thing, a is used with the consonant sounds. Okay, a is used with the consonant sound words, matlab A, E, I, O, U को छोड़कर जितने भी जो अल्फाबेट्स हैं उनके साथ में हम A यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ ब्लू बर्ड, अ नाइस मैन, अ वंडरफुल डिनर. तो इन सभी में हमने यहाँ पर जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमने A यूज किया है. नेक्स्ट, एन इज यूज विद अ वॉवल साउंड वर्ड्स. ओके, दैट इज A, E, I, O, U. जहां वावल साउंड आता है वहां पर हम एन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट. तो यहाँ पर जो साउंड है एप्पल, एग, इंसेक्ट में, दैट इज वावल साउंड. सो वी हैव यूज्ड हियर एन. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, ए एंड एन आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर काउंटेबल नाउंस. ओके, जो जहां पर सिंगुलर नाउन्स होते हैं वहां पर हम ए और एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स अपॉन द बिगिनिंग साउंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर. ओके, सो एच ओ यू आर आर, वी सी एन एच बट वी हेयर द वॉवल साउंड ओ डब्ल्यू. सो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एन आर. ओके, इंस्टेड ऑफ हार, अपन इसे हार नहीं पढ़ेंगे. अपन ये अपने ये सोचते हैं कि यहाँ पर एच लगा हुआ है तो हम इसे हार पढ़ेंगे. नो, बट इट इज आर. सो एन आर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूनिक. ओके, सो हेयर वी हेयर द साउंड ऑफ अ कॉन्सनेंट यू. सो यहाँ पर कॉन्सनेंट साउंड दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ए, ए यूनिक डांस. ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द. द इज अ डेफिनेट आर्टिकल. ओके, एंड इट इज समथिंग, इट टेल्स अस समथिंग इन पर्टिकुलर, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द ड्रेस इज पिंक इन कलर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ बॉल, द वॉटर इज हॉट, सॉरी द वॉटर इज नॉट फिट फॉर drinking. So in these example, the dress, the children, the water. So here we are talking about something specific, something that is particular. Okay, so यहाँ पर हमने the use किया. Next, the is used with proper names of books, oceans, seas, river, canal, bridges, mountain ranges. तो इन सभी के साथ में हम the use करते हैं. और हम किसके साथ यूज करते हैं? अगर आपको याद हो तो वी यूज इट विद द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, है ना, तो उसके साथ भी हम द यूज करते हैं. नेक्स्ट, द इज यूज्ड विद प्लूरल नेम्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स एंड प्लेस. तो जो ए और एन है वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, लेकिन द जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है. तो जहां पर प्लूरल नेम्स है, वेदर इट इज अ नेम ऑफ सम पीपल और नेम ऑफ अ ग्रुप और अ प्लेस, देयर ऑल्सो वी यूज द. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट सम सेम नाउन द सेकेंड टाइम.
जब हम एक ही नाउन के बारे में दोबारा उसे ही उसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम वहां पर द यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ स्टॉल, देयर इज एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल. सो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि दैट इज इन स्टॉल, सबसे दैट इज ए स्टॉल. जब हमने फर्स्ट टाइम स्टॉल को पॉइंट किया तो वहां पर हमने क्या यूज किया, ए यूज किया है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम स्टॉल के बारे में बात कर रहे हैं. बट इन अ सेकेंड सेंटेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टाइम, देयर इज एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल, अगेन जब दोबारा जब मैंने स्टॉल का नाम लिया तो वहां हम क्या लिखेंगे, द यूज करेंगे. ओके, व्हेन वी आर टेकिंग द नेम ऑफ नाउन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मतलब एक बार लेने के बाद जब आप उसके बाद में जब आप दोबारा उसका नेम लेते हो तो वहां पर आप द यूज करते हो. ओके, द इज यूज्ड व्हेन वी यूज सुपरलेटिव कंपैरिजन. ओके, दिस इज आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जहां पर हमने एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया है वहां पर भी हम द यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, सो इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. ओल्डेस्ट जो है ये सुपरलेटिव फॉर्म है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ओके, सो यहाँ ओल्डेस्ट से पहले हमने द यूज किया है. सो क्लियर? सो इस तरह से हम अलग अलग जगह पर ए, एन और द यूज कर सकते हैं अपने जो भी सेंटेंसेस हैं. तो अगर अब आपको ये थोड़ा कम समझ में आया है तो हम और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ए और एन और द हम कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो अब ये जो वीडियो है आप इसे 2-3 टाइम्स देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. ये जो भी जनरल रूल्स मैंने लास्ट 3 वीडियोस में बताए हैं, मैंने आज बताए हैं, ये आपको लर्न करने हैं और यू हैव टू कीप इट इन माइंड, बिकॉज अगर आप ये रूल्स भूल जाएंगे देन यू कैन मेक अ मिस्टेक. सो टू अवॉइड मिस्टेक यू हैव टू गो थ्रू दीज वीडियोज एंड यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.